सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है बस। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, देखो आपके पास, आप लोगों को डेस्कटॉप पे आना होगा, सबको सारे लोग डेस्कटॉप पर आ जाएं और डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाए वेब डिजाइनिंग के नाम से। सब लोग डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर वेब डिजाइनिंग, डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लें वेब डिजाइनिंग के नाम से। सब लोग डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर वेब डिजाइनिंग, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनेगा वेब डिजाइनिंग, बन गया। बताओ अब इस फोल्डर वेब डिजाइनिंग, हाँ तो जल्दी बना लो, सिंपल सा बनाना। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाना होगा वेब डिजाइनिंग के नाम का। फिर वेब डिजाइनिंग फोल्डर को ओपन करोगे, ठीक है, ओपन करने के बाद उसके अंदर दो फोल्डर बनेंगे, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, एक सीएसएस का फोल्डर और एक इमेज का फोल्डर, ठीक है, एक सीएसएस वाला फोल्डर और एक इमेज वाला फोल्डर बनाना है। हेलो, स्क्रीन में देख सकते हो, मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर सब बना लें वेब डिजाइनिंग के नाम से, बनाना आता होगा फोल्डर, उसके अंदर दो फोल्डर बनेंगे CSS और इमेज। बैच के एंड में आपको स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के भेजना होगा ग्रुप के अंदर, याद रखना, और जिसका नहीं आएगा हम नेक्स्ट क्लास से पूछेंगे कि आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे हो, साथ में काम नहीं करोगे तो कोडिंग नहीं आएगी आपको। कर लिया, ठीक है, बाकी लोगों ने बना लिया। देखो अगर नहीं, देखो सुनो, मैं जो क्लास पढ़ाता हूँ, पहले सब सुन लो, मैं जो क्लास पढ़ाऊंगा वो आप लोगों के अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है, अगर आप बोलोगे कि हाँ सर नोट हो गया, हाँ सर कर लिया, तो मैं आगे बढ़ूंगा, और आप लोग बोलोगे नहीं सर मैं रह गया तो मैं रुका रहूंगा, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आपका नोट हुआ है कि नहीं हुआ है। वो नहीं है कि लेक्चर नहीं कि मैं लेक्चर चालू कर दिए नॉन स्टॉप चलूंगा एक घंटे तक, ठीक है ना, तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है ना, मैं आपसे पूछूंगा आपने कर लिया, या कोई डाउट हो तो बताओ मैं वो चीज़ें क्लियर करूँ, तो आप ये मत समझो कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन बस इसलिए ले रहा हूँ कि इससे आपका टाइम बचेगा बस, ठीक है, बाकी सारा काम वही होगा, आप कोडिंग करोगे, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई डाउट आएगा तो तुरंत आप यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रेजेंट नाउ का, आपने स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मुझसे तुरंत डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, हैंड टू हैंड। तो अब सबसे पहले काम क्या कर रहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनेगा वेब डिजाइनिंग नाम से, ठीक है, उसके अंदर दो फोल्डर बनेंगे, एक CSS और एक इमेज, ये काम कर रहा था अभी। इतना कर लिया सबने, अब देखो अब एक इमेज, अब आपका इमेज वाले फोल्डर में अपने सिस्टम से कोई भी इमेज लेके पेस्ट कर लो, है ना, इमेज वाला जो फोल्डर है ना, अपने सिस्टम से कोई भी इमेज ले लो एक दो, इसमें डाल दो उठा के इमेज वाले फोल्डर में, कर लेने वाले काम। अपने सिस्टम से कोई भी इमेज लेके इमेज वाले फोल्डर में पेस्ट कर लो, हो गया, ठीक है, चलो। तो अब क्या करना है, अब मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके सिस्टम में सबलाइम होना चाहिए, तो अपन अब क्या करेंगे, यहां पे सर्च करेंगे, नीचे ऑप्शन आता है ना टैप टू सर्च करने का, यहां पे आप सिंपल लिखोगे सबलाइम, देखो मैं लिखा सबलाइम टेक्स्ट, तो आपके में आएगा जब भी आप भी सर्च करोगे ना, तो आपके में लिख के आएगा सबलाइम टेक्स्ट का जो आइकन बन के आ रहा होगा आप सबके में, सर्च करके देखो उस पर क्लिक कर लो, उस पर क्लिक कर रहे हैं सारे लोग, हाँ देखो यहां पे टाइप ऑफ लिखा ना, टाइप हियर टू सर्च, आपके सिस्टम होगा ना, यहाँ पे लिखो सबलाइम, आइकन आ रहा होगा आपके में भी, ये आइकन, इस पे क्लिक कर दो, ऐसे क्लिक करोगे तो आपके में एक सबलाइम ओपन हो जाएगा,
जो अपन ने अभी डाउनलोड इंस्टॉल किया था ना, वो आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। आ गया था ना सबकी मारा है सबला में इस तरीके से। टाइम पर आया करें, टाइम पर आया करें। जो लोग लेट आ रहे हैं, सोचो ऑनलाइन में भी आप अगर लेट आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। वैसे भी 7:05 तो स्टार्ट किए मैंने क्लास, अब छूट गया जो कराया मैंने को इतना है ना। अब क्या करना है फिर, सबका सबला में आ गया फाइलों का। चलो क्या करना होगा, देखो फाइल पे क्लिक करना होगा। अब हम क्या करेंगे, फोल्डर, हम आज क्या कर रहे हैं, हम एक फोल्डर सेटअप कर रहे हैं पूरा। पहले क्या करते थे, कहीं भी कुछ कर लिया, कहीं भी फाइल बना दी, कहीं भी कुछ करते, नहीं एक सिस्टम होता है काम करने का। तो अब फाइल पे क्लिक करना होगा, ओपन फोल्डर, सबके ऑप्शन आ रहा होगा, फाइल पे क्लिक, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे सब लोग तो यहाँ पे देखो साइड में डेस्कटॉप आ रहा होगा, डेस्कटॉप आ रहा है सबके में। फाइल पे क्लिक करो, ओपन फोल्डर, फाइल पे क्लिक, ओपन फोल्डर, और साइड में ऑप्शन आ रहा होगा डेस्कटॉप का, ये इस डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेना। और यहाँ पे आपका दिख रहा होगा फोल्डर वेब डिजाइनिंग का, उस फोल्डर पे क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर कर लो। फिर बता रहा हूं, फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है सिंपल, और डेस्कटॉप दिख रहा होगा साइड में यहाँ पर डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका वेब डिजाइनिंग का फोल्डर होगा, उस पर क्लिक कर लो और सिलेक्ट फोल्डर कर लो ये इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको फोल्डर बन के आ जाएगा, देखो वेब डिजाइनिंग के अंदर CSS रिवेज, ये काम करना है। बाकी जो स्टूडेंट लेट आए हैं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, उसको बाद में सेटअप कर लेना। हो गया ठीक है सबका, हो गया कि फिर से बताऊं, हो गया ना। फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर करना है, डेस्कटॉप पर क्लिक करना है, साइड में वेब डिजाइनिंग वाला जो फोल्डर बनाया था उसको सिलेक्ट कर लो बस। तो इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा। हो गया सबका। अभी बैच के एंड में आपको स्क्रीनशॉट भेजने हैं। बैच में कितने बच्चे हैं अभी, अंदाज 28 हैं, कम से कम 20 बच्चों के तो स्क्रीनशॉट आने चाहिए कि हाँ 20 बच्चों ने सेटअप कर लिया। बाकी लोगों का नहीं हो पाएगा तो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा जो बच्चे लेट आए हैं, ठीक है ना। 7:02 या 7:03 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 7:10 या 7:15 पे आओगे तो उसमें आप ही का नुकसान होगा। चलो अब देखो, हमने इतना काम कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, फाइल सेटअप करना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आज पहली क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। देखो सेटअप तो कम से कम आज कर ही लो। अब हमें क्या करना होगा, बनानी होगी फाइल। देखो हमने क्या किया, हमें सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक बनाया वेब डिजाइन, हम लोग क्या सीख रहे हैं, वेब डिजाइनिंग, ठीक है। अब वेब डिजाइनिंग के अंदर CSS का भी यूज़ होगा, इमेज का भी यूज़ होगा, तो हम नहीं चाहते कि हॉच पॉच कोड कहीं हो, तो CSS वाला काम CSS के अंदर करेंगे, इमेज वाला काम इमेज के अंदर करेंगे। इसलिए हमने क्या किया, इमेज वाला, इमेज के फोल्डर के अंदर हमने इमेज पहले पेस्ट कर ली है ना। अब हमें बनानी होगी फाइल, तो माइक बंद कर लो। अब हम जो भी फाइल बनाएंगे वो किससे सेव करेंगे, .html से, ठीक है। अभी हम जो भी फाइल बनाएंगे, माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है। हम जो भी फाइल बनाएंगे वो फाइल हम .html से सेव करेंगे। अरे माइक म्यूट कर लो, ठीक है। अब देखो फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल बनाने के कई सारे तरीके हैं, तो जो सबसे सिंपल तरीका लगता है जिससे आप कन्फ्यूजन नहीं हो गए, तो देखो हमें फाइल बनानी किसके अंदर है, वेब डिजाइनिंग के अंदर है ना। अगर आपने वेब डिजाइनिंग के अंदर फाइल को सेव नहीं किया, आपने कहीं और सेव कर लिया, तो CSS लिंक करने में प्रॉब्लम होगी, इमेज को लिंक करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो हमें क्या करना होगा, वेब डिजाइनिंग पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू का ऑप्शन आता है। देखो जैसे आप राइट क्लिक करोगे, न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, ये इस न्यू फाइल पे क्लिक करोगे और कंट्रोल एस करोगे, और यहाँ पे दे दीजिए फाइल का नाम a.html, ऐसे करो, सब लोग सेव कर दो। क्या करना होगा, वेब डिजाइनिंग पे राइट क्लिक, मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, देखो
इस वेब डिजाइनिंग पे राइट क्लिक करोगे, न्यू फाइल, सबके मारा होगा ऑप्शन, राइट क्लिक न्यू फाइल, कंट्रोल एस, फाइल को किस नाम सेव करोगे, बी डॉट एस टी एम एल, जो भी फाइल आप सेव करोगे उसको डॉट एस टी एम एल से सेव करना होगा। और जैसे आप फाइल सेव करोगे आपकी फाइल यहां पे दिखेंगी नीचे, दिख रहे हैं देखो, ए डॉट एस टी एम एल, बी डॉट एस टी एम एल, ऐसी आप लोगों की भी फाइल दिखेंगी। हुआ इतना पार्ट क्लियर, सबकी फाइल सेव हो गई? पूछ लेना, देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा है, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप पूछ सकते हो कि सर नहीं हुआ फिर बता दो, पहले दिन मैंने क्लास क्यों ली थी, इतनी सारी बातें क्यों करी थी, जिससे आप बोल सको, मुझसे पूछ सको, आप चुपचाप बैठे रहो, जैसे बने होते चुपचाप बैठे रहते हैं, बाद में देख लेंगे, दोस्त से पूछ लेंगे, बाद में हो जाएगा, नहीं, साथ साथ करो, कोई डाउट हो तुरंत पूछो कि सर मेरा नहीं हुआ तो मैं देख तो फिर बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग किया और आपकी 10-12 क्लास है, आपने अगर ढंग से काम नहीं किया ना तो आगे क्लासों पर आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ी तो पढ़ाता नहीं मैं कुछ भी, सारा प्रैक्टिकल चलेगा, अगर स्टार्टिंग क्लासों का सेटअप नहीं हो पाया, समझ में नहीं आए तो आगे क्लास तो आप कर ही नहीं पाओगे। पहले हम लोग कॉपी पेन भी लिखते थे, घर पर जाकर अभी काम ही नहीं किया, तो इसीलिए आप साथ साथ कंप्यूटर पर काम करो, लैपटॉप पर काम करो साथ में। हो गया सेटअप, फिर बता रहा हूँ, वेब डिजाइनिंग पर राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल करनी है, ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो और तरीका होता है फाइल सेव करने का, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और देखो, अब दिख रहा है ये ऊपर वाला पट्टी, दिख रहा है ये बगल में ये पट्टी दिख रही है, इस पर आप क्लिक करो, डबल क्लिक करूंगा मैं ऐसे ही, देखो ये आ रहा है अनटाइट, क्या किया मैंने, ये पट्टी दिख रही पूरी, पट्टी ये पूरी, इस पर कहीं भी ऐसे क्लिक कर दो, ऐसे डबल क्लिक करो, क्या ऐसे आया मैं ऐसे क्लिक कर दिया, देखो एक क्लिक पर नहीं आएगा, डबल क्लिक पर आएगा, ऐसे ये आ गया, फिर कंट्रोल एस कर लो और अपनी फाइल को यहाँ सेव कर लो, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत आ रही है वेब डिजाइनिंग पर राइट क्लिक करने पर न्यू फाइल में, है ना, तो सीधा यहाँ पर इस पर क्लिक करो, डबल क्लिक करके कंट्रोल एस, बस याद रखना कि आपको जो फाइल सेव करनी है वो वेब डिजाइनिंग के अंदर यहाँ पर सेव करनी है, ये पाथ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पर ये पट्टी दिख रही है, मेरे कर्सर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डबल क्लिक करना होता है, ऐसे देखो आगे लिख के और कंट्रोल एस और फाइल का नाम डाल दो सी डॉट एस टी एम एल, ठीक है, तो यहां से भी ट्राई कर लो आप लोग, डबल क्लिक करो ऐसे तो दूसरी फाइल आ गई, कंट्रोल एस, बस ये चेक करना कि फाइल आपकी वेब डिजाइन के अंदर सेव हो और जो फाइल आप सेव कर रहे हो वहां पर दिखनी चाहिए, कर लिया ये तरीका, हमने कर लिया, आपको जो तरीका ठीक लगे, एक तरीका ये होता है यहाँ पे प्लस दिया, देखो ये प्लस साइड में ये दिया प्लस, इस पर क्लिक करोगे वही सेम आ गया, कंट्रोल एस करोगे, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर लो फाइल, तो तीन तरीके आपके पास है, जो आपको बेटर लगे उससे आप फाइल अपनी सेव करते रहो, बस याद रखना कि जो आप फाइल सेव कर रहे हो वो यहाँ पे साइड में दिखनी चाहिए, ना तो आप कहीं और जाके सेव कर दो। हो गया सबका फाइल सेव वाला काम, ठीक है, हो गया ना, ठीक। अब देखो अब हम क्या करते हैं, तो जो भी फाइल सेव होगी वो एस टी वेल से सेव होगी, हम जो भी फाइल सेव करेंगे वो एस टी वेल से करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है ए डॉट एस टी एम एल, इस पर क्लिक किया। अब बात करते हैं सिंटैक्स की कि हम काम कैसे करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे लेस देन का साइन ऐसे और लिखेंगे एस टी एम, देखो जैसे मैंने एस टी एम लिखा यहाँ पे तो अपने आप देखो यहाँ पे आने लगा, देखो आ रहा लिखा हुआ ये एस टी एम एल, इस पर क्लिक कर दो, ऐसे सिंटेक्स पूरा आ गया। क्या करना होगा, एस टी एम लिखना होगा, देखो मैंने क्या लिखा एस टी एम एल, देखो जैसे मैं यहाँ लिखूंगा लेस देन एस टी एम, अपने आप आ रहा है, देखो पूछ रहा है, एंटर दे दो, पूरा सिंटेक्स लिख के आ जाएगा एस टी एम एल का यहाँ पर, ट्राई लेस देन एस टी एम, जैसे एस टी एम लिखोगे ना तो अपने आप आता है, देखो क्लिक कर दो सिंटैक्स पूरा आ जाएगा, ये आपको आ रहा है, बाकी लोग के मारा सबके में,
तो अब क्या करना है, अब देखो, अब मैं इस बॉडी में अभी मैं सब समझाऊंगा, सिंटेक्स क्या होते हैं जब भी समझाऊंगा पूरा चीज़ है ना, अभी तो हम सिर्फ सेटअप कर रहे हैं। अब मैंने इस पे आके बॉडी के अंदर लिखा H1 है ना, लिख दिया मैंने हेलो बालियर, और ये एच बंद कर दिया, H1 स्टार्ट किया, H1 बंद कर दिया, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख लो, हो गया बाकी लोगों का। अब देखो, अब ये कोड हमें ब्राउजर पे रन करना है। अब ये कोड हमें कहाँ रन करना है, ब्राउजर पे, है ना, ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे रन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना होता है। देखो अभी यहाँ पे देखो, आप ऊपर देखो बुलेट का आइकन दिख रहा है, देखो बुलेट का, देखो ऊपर, देखो ऊपर, देखो दिख रहा आइकन, दिख रहा है बुलेट वाला, देखो देख पा रहे हो, सबके में एक साइन आ रहा है वो डॉट वाला। मेरा कर्सर देखो, मेरा कर्सर दिखा रहा हूँ आपको, आ रहा है डॉट वाला, सबकी मारा हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी आपकी फाइल ये सेव नहीं है। अब ब्राउजर पे माइक बंद कर लो, जब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर पे रन करने से पहले इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो सेव किससे करते हैं, सिंपल है, Ctrl+S है ना। तो मैंने जैसे Ctrl+S दबाऊंगा ना, तो देखो आइकन हट जाएगा, तो हट गया आइकन, तो आ रहा है डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरी ये फाइल सेव हो गई, ठीक है। देखो अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे और रन राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन ब्राउजर का ऑप्शन आता है, देखो ये ओपन इन ब्राउजर क्लिक किया और ये आपके में रन हो जाएगा, हेलो ग्वालियर, देखो रन हो गया ब्राउजर पे। ऐसे आप लोग करें, पहले Ctrl+S से सेव करना है, फिर राइट क्लिक करना है, ओपन इन ब्राउजर करो, हो गया। हाँ ये तो लिख के आएगा, देखो ये तो आएगा ना, जो H1 टैग होते हैं, टैग अभी पढ़ाऊंगा सब कुछ, ये H1 क्या होते हैं, टैग होते हैं। तो इतना आ गया हेलो ग्वालियर सबके पे ब्राउजर पे, सबका सेटअप हो गया, इतना ठीक है, हो गया ना, ठीक है। अब बताओ किसका नहीं हुआ, हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो कितना कहां तक कर लिया आपने, कितना किया, हाँ तो कुछ देखो, हाँ कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ, देखो 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 सिंपल क्या करना है, यहां पे लिखना है HTML, लेस देन साइन लगाना है, HTML लिखना है, एंटर देना है, सिंटैक्स आ गया पूरा इस तरीके से आपके वहां है सिंटैक्स, एक्ट ऑन करो, जब एरर पूछा करो तो माइक ऑन रखा करो, एक्ट ऑन करो तब बता पाऊंगा ना, हाँ ठीक है तिवारी जी, माइक ऑन करो, बाकी लोगों को आवाज आ रही मेरी, तिवारी जी माइक ऑन करो, उसका सर नेट दिक्कत दे रहा होगा, फिर यहाँ पे H1 लिख दो कुछ भी, हाँ जी आवाज आ रही है, हाँ
वही तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर इतना लिख लिया आपने सिंटेक्स, ये सिंटेक्स लिख लिया आपने। हाँ, देखो ये लिखो, देखो ऐसे लिखा, पहले फाइल पे जाना है, ठीक है, जो फाइल आपकी है, मैंने ये फाइल खोली, फाइल तो बन गई ना आपकी, फाइलें बना ली, फाइल तो बनी होगी ना, फाइल पे क्लिक करो किसी फाइल पे, और फिर यहाँ पे लेस देन एच टी एम एल लिखना है, ऐसे एच टी एम एल, तो देखो नीचे आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो बॉडी के अंदर आना है, ये लिखना है एच वन में, कुछ भी टाइप कर दो अभी, हेलो ग्वालियर, बंद कर दो, और फाइल को सेव करना है, ये लिखने के बाद कंट्रोल एस से फाइल सेव करो, और फिर राइट क्लिक करो, ओपन इन ब्राउजर कर दो। हो गया इतना काम? फाइल ब्राउजर ओपन हुआ कि नहीं हुआ पहले? नहीं, ब्राउजर ओपन हुआ, ब्राउजर ओपन हुआ था, तो हमने कहा था कि सर हम वेब डिजाइनिंग इसलिए सीख रहे हैं कि उससे हम वेब पेज बना सके, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इसकी डिजाइन हम बना सके, है ना, ये तो कहा था आप लोगों ने। फिर उसने पूछा था कि आप वेबसाइट बनाओगे किससे, तो आपने कहा था कि हम HTML और CSS से बनाएंगे। अब फिर एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि HTML क्या होता है और CSS क्या होता है ना, HTML को बताएगा, HTML? हाँ बता दो, हाँ वेरी गुड, बढ़िया। और CSS? नहीं, वो तो पता है थोड़ी, ठीक है, और CSS रहने वाला काम होता है, क्लियर हुआ सब लोग? देखो HTML से क्या करते हैं बताता हूँ, माइक बंद कर लो, सिंपल है। देखो HTML से, जैसे स्नो ने कहा कि सर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, और CSS से हम डिजाइनिंग करते हैं। अगर सिंपल में एग्जाम्पल लेके समझूं, जैसे आप लोगों का घर होगा, आपने अड़ोस पड़ोस में घर बनते हुए देखे हैं, घर बनने होते हैं, है ना, तो आपका खुद का कभी घर बना होगा, है ना, तो आप उस घर में रहने कब जाते हो, जब पूरा घर कंप्लीट हो जाता है ना, देखा होगा जब घर बनता है तो घर में एक नींव भरी जाती है, दीवार खड़ी होती है, लेंट डाल देते हैं, है ना, तो पहले क्या होता है, घर का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है पूरा होता है, और फिर उस घर के अंदर अपन क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, जैसे प्लस्तर करोगे आप, पेंट करोगे, टाइल्स लगवाओगे, लाइट फिटिंग, नल की फिटिंग, दरवाजे लगवाओगे, होता है ना, होता है, आप फोन पे कहते हो ना, अभी घर में शिफ्ट, कोई आपसे पूछता है घर में शिफ्ट नहीं हुए, तो आप क्या बोलते हो, यार अभी घर में फिनिशिंग का काम चल रहा है, वो फिनिशिंग का काम हो जाएगा तब जाके शिफ्ट होंगे, तो वो फिनिशिंग वाला काम किससे होता है, वो फिनिशिंग वाला काम CSS से होता है, CSS मतलब ब्यूटी पार्लर, सिंपल, CSS मतलब एक तरह का ब्यूटी पार्लर वाला काम होता है, ठीक है। HTML से स्ट्रक्चर तैयार होगा और CSS से हम उसके अंदर डिजाइन करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि दोनों चीज जरूरी है कि हमारा एक सी काम चल जाएगा HTML से ही, है ना, दोनों जरूरी है ना, एक से तो काम चलेगा नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, जैसे मान के चलो आज शाम को आपको शादी में जाना है, तो आप लोग क्या करते हो, HTML करते हो कि CSS करते हो? CSS करते हैं ना सारे लोग, है ना, HTML तो अभी आप हो ही, है ना, और लड़की लोग ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वहाँ पर CSS करते हैं, और हम लोग घर पे CSS करते हैं, बालों में जेल लगा, क्रीम लगा के, तो समझ आ गया। तो बिना सी, अगर मैं ये फ्लिपकार्ट से CSS हटा दूं तो बचेगा क्या, सिंपल HTML रह जाएगा, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की जो हमने सेटअप किया, ठीक है, इसमें से अभी मैं ये हटा देता हूँ मेटा, ये अभी आगे चल के हम समझेंगे मेटा क्या होता है, ठीक है, ये इतना पढ़ा, इतना पार्ट हमारा जो रह गया, मैं इसको ये बैठा देता हूँ, ये हमारा स्ट्रक्चर है काम करने का, ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, एक स्ट्रक्चर है। अब एक चीज देखो, यहां से स्टार्ट हुआ डॉक टाइप HTML, ठीक है, तो अब एक चीज यहां देखो आप, यहां से मैंने स्टार्ट यहां से होता है, देखो HTML स्टार्ट हुआ और HTML एंड हो रहा है, हो रहा है, और सारा काम किसके अंदर हो रहा है, पूरा आप देखो तो इस HTML स्टार्ट HTML एंड के अंदर हो रहा है, हो रहा है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग एंड भी होगा,
और सारा काम हमारा किसके अंदर हो रहा है, एचटीएमएल टैग के अंदर। देखो एचटीएमएल स्टार्ट एचटीएमएल। अब सबसे पहले ऊपर लिखा है डॉक टैब एचटीएमएल क्या होता है। देखो इसका सिर्फ काम क्या है डॉक टैब का, इसका सिर्फ इतना काम है ये ब्राउजर को बताता है कि जो एचटीएमएल के टैग हैं इनको ब्राउजर पे रन कर दो बस। मतलब अब क्या हुआ है ब्राउजर भी इतना अपडेट हो गया, अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो कोई एरर नहीं आती है, ठीक है ना। मगर मेन कहानी यहाँ से हमारी शुरू होती है। इसका सिर्फ काम क्या है ब्राउजर को बताना कि ये टैग है एचटीएमएल को, उनको आप रन कर दो। मगर अब ब्राउजर भी इतना अपडेट हो गया अपने आप में, अब दिक्कत नहीं देता। तो अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो सिंटेक्स कैसे पढ़ते हैं, एचटीएमएल स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। सिंपल, एचटीएमएल स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। कोई बताएगा पढ़ के सिंटेक्स पैच में? पढ़ो। हाँ कोई एक पढ़ लो। हाँ हाँ वेरी गुड। और कोई? हाँ हाँ ठीक। और कोई? ठीक है चलो। तो अब देखो एचटीएमएल स्टार्ट हुआ, एचटीएमएल क्लोज। अब बात करते हैं कि हेड टैग क्या होता है। हेड टैग है ना, सिंटैक्स समझते हैं, डॉक टैग समझ में आ गया। फिर इसके बाद जो सारा काम देखो एचटीएमएल टैग के अंदर हो रहा है। अब फिर आता है हेड टैग। हेड टैग का क्या रोल है? अब देखो इसी हेड टैग के अंदर आपको दिख रहा होगा टाइटल। अब मैं इस टाइटल में लिखता हूँ एफ ए सी ई फेस बुक, ठीक है, लिख दिया मैंने और सेव कर दी फाइल। ब्राउजर पर रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेव करना पड़ेगा ना कंट्रोल एस से। फिर राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउजर किया, ठीक है। अब देखो टाइटल कहां से हो रहा है, सब लोग देख पा रहे ना ऊपर, सब लोग दिख रहा है ना टाइटल। अब देखो ये इसका टाइटल है फ्लिपकार्ट का, है ना, ये हमारा गूगल मीट का टाइटल है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं अमेजॉन, सिंपल लिखता हूं अमेजॉन, तो देखो ऊपर क्या आता है हमारा, ऊपर हमेशा टॉप पे, हमेशा टॉप पे हमारा टाइटल आता है। देखो ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। इसमें कोई ट्वेल्थ वाला भी है ना, कोई कोई बच्चा इसमें ट्वेल्थ वाला भी है ना, कोई टेंथ वाला है कि ट्वेल्थ वाला है कोई इसमें, जिसने अभी टेंथ पास किया, ट्वेल्थ पास किया था ना, क्या नाम था उसका, हाँ हाँ अभी पास किया ना, तो अभी तो कोडिंग आपने इससे पहले की दी होगी कुछ भी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से, है ना, ठीक है। तो देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया मैंने, है ना, ऐसा कुछ नहीं कुछ छूट रहा हो आपका, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ एक एक चीज लेके, है ना। अगर इसको समझ में आएगा तो सबको समझ में आएगा। फिर देखो ऊपर दिख रहा है, देखो टाइटल ऑनलाइन शॉपिंग साइट। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले मैं क्या दिखता है उसका टाइटल दिखता है। अगर मैंने ओपन किया रिएक्ट जेएस तो अभी देखो यहाँ पर उसका टाइटल आ जाएगा ऊपर थोड़ी देर बाद। तो टाइटल हमें कहाँ देखो आ गया, देखो टाइटल हमें कहाँ से होते हैं, ऊपर टॉप पे से होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये क्या है, ये टाइटल है। अब बाकी हेड में अपन क्या यूज करते हैं, हेड के अंदर बाकी अपन हेड के अंदर सीएसएस वाला काम करते हैं, जावा स्क्रिप्ट वाला काम करते हैं और मेटा वाला, अभी था ना अब मेटा टैग जो मैंने अभी हटा दिए, ये यूज करते हैं मेटा, अभी धीमे धीमे सिखाएंगे चीजें, ठीक है ना। तो हेड के अंदर अंदर अपन टाइटल का यूज करते हैं, सीएसएस का यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे और मेटा का यूज करेंगे, है ना, और भी लिंक्स यूज करते हैं, फॉन्ट टू सम की लिंक लगाना धीमे धीमे यूज करते जाते हैं, ठीक है। ये सारा काम किसके अंदर होता है, हेड के अंदर होता है। बाकी पूरा काम वेबसाइट बनाने वाला सारा काम हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। हम जो भी वेब पेज बनाएंगे, जो भी कोडिंग करेंगे, वो सारी कोडिंग हम बॉडी टैग के अंदर करेंगे, ठीक है। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हो कि शायद मेरा कोड है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये फ्लिपकार्ट है, देखो ये भी इस तरीके से काम करते हैं, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन सबको पता है कितनी बड़ी वेबसाइट है ये शॉपिंग की, है ना। तो देखते हैं क्या ये भी यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्या। तो देखो मैं दिखाता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, आप भी कर सकते हो अपने बाद अपने में, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हम डेवलपर के लिए। इंस्पेक्ट किया मैंने यहाँ पे, पहले देख लो सब लोग अच्छे से, देखो अब यहाँ पे आते हैं। अभी आप लोग जब इंस्पेक्ट करोगे ना तो आपका इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा आपका साइड में इस तरीके से।
तो क्रॉस के बगल पे तीन डॉट पे क्लिक करना होगा और ये थर्ड पे क्लिक करना, बस। अब एक चीज देखो, एलिमेंट हुआ, कंसोल हुआ, सोर्स हुआ, नेटवर्क हुआ, परफॉर्मेंस हुए, मेमोरी, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, ये सब कुछ हमारे लिए होते हैं डेवलपर के लिए। हम जब काम करते हैं ना तो हमारे लिए ये जो इनकी हमें बहुत नीड होती है, बहुत जरूरत पड़ती है इन सबकी। अब देखो, अब बात करते हैं एलिमेंट्स। देखो अब यहाँ पे आप देखो, देखो ये फ्लिपकार्ट का एस्टीमेट का कोड है, देखो आप दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ, मैं थोड़ा और खिसका देता हूँ जिससे आप देख पाओगे अच्छे से। तो ये होता है एलिमेंट्स, इसमें एचटीएमएल का कोड आता है, ये होता है स्टाइल, इसमें सीएसएस वाला कोड रहता है इनका, तो दिख रहा है इनका सीएसएस वाला कोड। तो देखो डॉक टाइप एचटीएमएल है, एचटीएमएल स्टार्ट दिख रहा है, हेड स्टार्ट हेड एंड, बॉडी स्टार्ट बॉडी एंड, एचटीएमएल दिख रहा है, सिंटेक्स पूरा वही। अब देखो हेड के अंदर ये क्या क्या काम करते हैं, देखो स्क्रिप्ट वाला दिख रहा है काम हेड के अंदर, और नीचे आओ ये देखो लिंक्स लगा रहे हैं हेड के अंदर, ये देखो मेटा दिख रहे हैं, मेटा मेटा यूज कर रहे हैं, और नीचे आते जाओ देखो मेटा चल रहा है, देखो मेटा, देखो मेटा मेटा, देखो नीचे मेटा, देखो स्टाइल लगा रखा है सीएसएस इन्होंने, देखो स्क्रिप्ट लगा हुआ है, देखो टाइटल, देखो टाइटल, देखो लिखा है शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, दिख रहा है सब चीज़ें खुद देख लो, ऐसा नहीं अपन भी यूज़ कर रहे हैं, सब लोग यूज़ करते हैं। फिर नीचे आओ, फिर इसके बाद बाकी पूरा सारा काम ये किसके अंदर करते हैं, देखो बॉडी टेक के अंदर, देखो ये बॉडी स्टार्ट किया, सारा काम बॉडी के अंदर होता है। अभी आपको ये कोड नहीं समझ में आ रहे होंगे, मतलब एक महीने बाद आपको ये सारे कोड समझ में आएंगे, ये डिप क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सब समझ आएगा, ये फॉन्ट फैमिली क्या लगी हुई सारी क्लास है, ये सब क्लियर होगा, ठीक है। ये था फ्लिपकार्ट। अगर मैं अमेजोन पे चलूँ, देखो इसका राइट क्लिक करूँ, आप किसी के राइट क्लिक चेक कर सकते हो, सिंटैक्स यही होता है काम करने का। देखो एलिमेंट्स ओपन किया, आप लोग अपने में भी चेक कर सकते हो, डॉक टैब एचटीएमएल ऊपर चलता हूँ मैं टॉप पे सबसे ऊपर, डॉक्टर एफ एस्टीमेल हेड स्टार्ट हेड एंड, देखो देखो बॉडी बन और एस्टीमेल में देख पा रहे हो सब लोग, और सारा फिर हेड को ओपन करता हूँ मैं, हेड के अंदर देखो स्क्रिप्ट लगा हुआ है, स्टाइल सीएसएस लगा हुआ है, मेटा लगे हुए हैं, देखो स्क्रिप्ट लगा हुआ है, आप सब अपने में भी देख चेक कर सकते हो, देखो टाइटल, देखो ठीक है। आई मीन अपना ये गूगल मीट जिस पे आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, ये आपका गूगल मीट, अगर मैं इसी का स्पेक्ट एलिमेंट करके कोड चेक करूँ, देखो है ना कल पॉइंट हमने डिस्कस किया था परसों फ्रंट एंड, देखो सारा खेल तो सीखा है जो हमें दिख रहा है, देखो इसका भी देख लो डॉक्टर एस्टेबल हेड बॉडी स्क्रिप्ट बंद, ठीक है। और ऊपर उसमें चलते हैं ऊपर, देखो हेड ओपन किया अपन, बॉडी यहाँ से बंद कर लेते हैं, हेड ओपन किया, देखो हेड के अंदर भाई मेटा स्क्रिप्ट, देखो नीचे आओ, देखो जो टाइटल देख रहे हो आप लोग, यही तो अपन यूज़ करते हैं क्लास लेने के लिए, एप जेड आर गूगल मीट का टाइटल में देखो आ रहा है, तो टाइटल में आ रहा है, तो क्लियर हुआ बात, समझ में आया सिंटैक्स जो हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको जो सिखाऊंगा वो इन सब में दिखाता भी जाऊंगा स्पेक्ट करके, देखो हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो ये लोग यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। आपने क्या बोला था कि हम वेब डिजाइनिंग क्यों सीख रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, है ना, समझा गया। तो वही चीज़ तो सीखेंगे जिससे हमारी वेबसाइट डिजाइन हो सके, है ना जी, फ्लिपकार्ट अमेजॉन इन जैसी वेबसाइट बना सके अपन लोग। तो सिंटैक्स क्लियर हुआ इतना सबको, हाँ तो बोलो तो, है ना। अब देखो हम बाकी जो भी काम करेंगे ना वो तो सारा काम हम इस बॉडी के अंदर करेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को, आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है, चलो। तो ये समझ में आ गया हेड हेड के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे। बाकी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए आप मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, कृपया आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा, तो उससे आप रिवीजन भी कर सकते हो। तो अब देखो अब बात करते हैं बॉडी के अंदर, अब सबसे पहले टैग से बात करते हैं हम। सबसे पहला टैग हमारा होता है H1 टैग, जिसको हम बोलते हैं हेडिंग टैग, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ मैं, लिखा इसके अंदर हेलो ग्वालियर, बंद कर दिया। H1 मतलब हेडिंग टैग होते हैं, H1 से लेके H6 तक ये हमारे क्या रहते हैं, हेडिंग। अभी नोट मत करना, अभी नोट नहीं करना, पहले समझ लो फिर आप नोट करना, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझो, नोट करने का टाइम दूंगा प्रॉपर, साथ साथ नोट नहीं करना, पता है साथ साथ नोट करने से क्या होता है, पता है वाली बात, साथ साथ नोट करने से क्या घाटा होता है हमारे साथ, जानते हो हम लोग स्कूल में कॉलेज में ये तो करते हैं, साथ साथ नोट करते हैं टीचर के, करते हो सब लोग, उसका घाटा आप लोग जानते हो क्या होता है,
अभी आप लोग को इस, हाँ अभी आपको ये चीजें जिस दिन समझ जाओगे ना, हाँ होता क्या है कि जो हमारा माइंड होता है ना, जैसे अभी मैं यहाँ करा रहा हूँ, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये H1 टैग है, ये H2 टैग है, ये H3 टैग है। अब मान के चलो इसमें अरविंद कुशवाहा नोट कर रहा है, तो अरविंद कुशवाहा का जो दिमाग है ना वो नोट करने में चल रहा है, वो मेरी बातें सुन नहीं रहा है, वो उसका दिमाग अभी क्या है, नोट करने पे चल रहा है। और यही हम स्कूल और कॉलेज में करते आए, तो इसीलिए क्या होता है जब टीचर कोई चीज हमें समझाता है ना तो वो मेरे समझ में नहीं आती हम लोगों की, हम लोग किस में क्या क्या कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं। और आप लोग जब मूवी देखने जाते हो 3 घंटे की मूवी आपको पूरी याद रहती है, वो आप कहीं लिखते हो क्या? सारे लोग वो मूवी आप कहीं भी नहीं लिखते फिर भी आपको याद रहती है। अच्छा लास्ट क्लास में हमारा एक टॉपिक था, मैंने कहा था आपको माइंड चेक करूंगा, याद है? बताया था ना कि आपकी कैचिंग पावर कैसी है, क्वेश्चन याद है? अभी करता हूँ कैचिंग पावर, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आप लोगों की कैचिंग पावर कितनी अच्छी है। और जो मेरा पॉइंट समझाने का, देखो H1 से लेके H6 तक ये हमारे क्या है, सारे हेडिंग टैग होते हैं। अब मैं इनको सेव करूंगा, ब्राउजर पे रन करूंगा, ओपन इन ब्राउजर। देखो अब बताओ क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको सब में? हाँ हो गया ना, मतलब H1 सबसे बड़ा, H2 और छोटा, H3 और छोटा, H4 और छोटा, H6 और छोटा, है ना? तो ये हमारे क्या होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं। H7 नहीं होता, लो देख अभी देख लो, देखो H7 नहीं होता, देखो दिख रहा है डिफरेंस, ठीक है? H7 नहीं होता, H6 तक होते हैं। और एक लास्ट में होता है P, ये मतलब पैराग्राफ, ये मतलब होता है पैराग्राफ। जैसा बुक्स पढ़ते हो, बुक्स में क्या होता है, एक हेडिंग होती है, एक पैराग्राफ होता है, एक हेडिंग होती है, एक पैराग्राफ होता है। आ गया पैराग्राफ, देखो दिख रहा है पैराग्राफ और ये हेडिंग्स होती है, डिफरेंस दिख रहा होगा। तो हेडिंग बोल्ड है ना, पैराग्राफ तो लाइट है ना? तो इतना बात समझ में आई, हेडिंग और पैराग्राफ वाली, इतना क्लियर हुआ? तो पहले इसको नोट कर, पहले इसको आप नोट कर लो। अब देखो, अब मैंने कहा अब आप नोट करो, अगर मेरे साथ साथ नोट करोगे तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या कराने वाला हूँ।